हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष बिरला, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी इफको के बारे में, इफको का नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो कुछ लोगों के कमेंट्स से मैंने देखे थे कि उसमें कुछ डाउट्स थे कि प्री में क्या आएगा, का मेंस में क्या आएगा। तो मैंने आपको कमेंट भी डाला था मेरा खुद का कि मैं आपको डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा आज के वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के बारे में, किसका प्री में कौन सा आएगा टॉपिक, मेंस में कौन से टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं उसके बाद में सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले एप्टीट्यूड आएगा आपका, यानी कि मेंस के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका आएगा रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपका आएगा एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल एग्रीकल्चर ले लो, इसके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में आपका मेन पोर्शन रहेगा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इकोनॉमिक्स। उसके बाद में पंचायती राज, उसके बाद में आपका आएगा कोऑपरेटिव, एंड कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो ये आपके जो है टॉपिक सब्जेक्ट वाइज रहेंगे आपके फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड रहेगा, यानी कि मैथ्स रहेगा के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, उसके बाद में एग्रीकल्चर के जो फैक्ट हैं, जो डाटा फैक्ट है एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर में मेन पोर्शन जो है आपका बायो से रिलेटेड जो है टॉपिक है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद में इकोनॉमिक्स से जितने भी योजनाएं थी, स्कीम्स निकाली गई थी हिस्ट्री में या फिर करंट की स्कीम्स है, और उसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद में आपका पंचायती राज जितने भी हिस्ट्री है, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है आपकी पंचायती राज से संबंधित, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर बेस्ड, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो इतने आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अब इसमें से देखते हैं कि एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग और आपका इंग्लिश का टॉपिक भी आपका रहता है इसमें, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आपका है, ये सात टॉपिक जो आपके है प्री प्लस मेंस, जो प्री और मेंस का पेपर जो होगा उसमें से आपको ये सात टॉपिक में से दोनों कवर अप हो जाएगा। तो आपको मैंने कल बता दिया था कि प्री जो है आप घर बैठे दे सकते हैं, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर, जो भी सिस्टम आपके पास है उसमें आप प्री एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में आपको मेंस का मैंने बताया था कल कि मेंस जो है आपको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका वाराणसी है, दिल्ली है, इंदौर है, उसमें आप मेंस दे सकते हो। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपका इंटरव्यू जो है दिल्ली में इंटरव्यू आपका होगा। उसके बाद में आपको एज ए इफको ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में बॉन्ड की भी मैंने आपको कल बात बताई थी, बॉन्ड भरना पड़ेगा जो है, जो कि ओबीसी जनरल के लिए रहेगा, 80,000 रुपये रहेगा आपका, और जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रहेगा 20,000 रुपये। तो ये बातें अपनी कल के वीडियो में हो चुकी थी। तो अब बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर पोर्शन की, एग्रीकल्चर में कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में दोस्तों आपको जनरली इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी आप दे सकते हो इंजीनियरिंग वाले टॉपिक को, इंजीनियरिंग मशीनरी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आप दे सकते हो प्रायोरिटी।
तो सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन के कितने टॉपिक आते हैं इरिगेशन से रिलेटेड। तो आपका इरिगेशन हो गया एक, उसके बाद में आप वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेस डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इरिगेशन में हो गया वाटर कंजर्वेशन आपका, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में वाटर सेट प्लानिंग, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको इरिगेशन में इतना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग वाला टॉपिक रहता है जो मेन आपको एफओ के लिए भी यूजफुल रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। इंजीनियरिंग वाले में फार्म पावर एंड मशीनरी एक तो रहेगा आपका, फार्म पावर एंड मशीनरी, ये आपका एफओ के लिए भी यूजफुल रहेगा दोस्तों। एफओ में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग से पूछ रहा है आजकल, फार्म पावर एंड मशीनरी 2-3 साल से। उसके बाद में आपका रहेगा थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मशीनरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद में हो सकता है आपको ड्राइंग इक्विपमेंट जो रहते हैं सुखाने के लिए फसलों को, ड्राइंग मशीनरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो है इतने टॉपिक आपको इंजीनियरिंग से देखने को मिलेंगे। ये तो आपका होगा इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका जो हो गया इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन डेयरी वाले पोर्शन से। एक तो डेयरी इक्विपमेंट, डेयरी इक्विपमेंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन जो है इसको भी आप इंजीनियरिंग में शामिल कर सकते हो, इंजीनियरिंग। तो जो है ये मेन पोर्शन आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर जो फैक्ट्री है जितने भी वो तो आपको पढ़ना ही है, बाकी जो मेन पोर्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। एग्रीकल्चर में जो मेन पोर्शन आपका पूछा जाएगा वो किसमें से आएगा, तो मेन आपका इरीगेशन और इंजीनियरिंग और डेयरी जितना भी है इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो पहले। उसके बाद में जो एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर जो भी डाटा आपका बचता है वो तो आपको पढ़ना ही है, जितने फैक्ट है वो तो आपको पढ़ना है। तो आपने इरिगेशन के बारे में पढ़ना है, वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट प्लानिंग। उसके बाद में इंजीनियरिंग की बात करें तो फार्म पावर एंड मशीनरी, थ्रेसिंग मशीनरी, जो ड्राइंग मशीनरी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपके इंजीनियरिंग के टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में डेयरी इक्विपमेंट जितने भी है ये आपका जो एग्रीकल्चर में मेन पोर्शन रहेगा आपको के लिए। उसके बाद में बात करते हैं अपन एप्टीट्यूड के बारे में, मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके पहले अपन देख लेते हैं एग्रीकल्चर होगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स देख लेते हैं जो नेशनल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आएंगे आपको। इकोनॉमिक्स में आपका तीन प्रकार का इकोनॉमिक्स बनता है दोस्तों। सबसे पहले आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमिक्स है वो रहेगा, उसके बाद में जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो है कंट्री बेस्ड वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स। उसके बाद में जो डाटा बेस रहता है इसको स्टेटिक जो रहता है आपका वो रहेगा। तीन प्रकार का इकोनॉमिक्स इसमें पूछा जाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रहेगा सबसे पहले आपका। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है इसमें आपके कवर अप हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आपका आता है जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स जो कंट्री बेस्ड है करंट वो आपका रहेगा इसमें। उसके बाद में आपका आएगा स्टेटिकल जो डाटा बेस्ड रहते इकोनॉमिक्स, उससे क्वेश्चन आपको आएंगे।
तो आपको इकोनॉमिक्स में तीन तरह के इकोनॉमिक्स कवर करना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जितने भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर की, जितनी भी करंट टर्म स्कीम्स लॉन्च की गई है उनके बजट के बारे में। उसके बाद में जो कंट्री बेस्ड इकोनॉमिक्स है कि जो बजट पेश किया गया था उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में जो डाटा बेस्ड है स्टैटिक वो इकोनॉमिक्स आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन एप्टीट्यूड के बारे में, बात करते हैं मैथ्स में कौन से टॉपिक आपको आएंगे। तो मैथ्स के बारे में बात करते हैं, मैथ्स में सबसे पहला आपका एवरेज, सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा परसेंटेज, उसके बाद में आपका आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो है टॉपिक आपके नॉर्मली रहते हैं। उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस जो है अभी आएगा। उसके बाद में एज, एज की प्रॉब्लम जितनी भी रहती है। उसके बाद में आपका डीआईओ हो गया, डाटा एंटरप्रेन्योरशिप, जो है डीआईओ है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपका एफओ के लिए भी यूजफुल रहेगा। उसके बाद में आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, तो ये जो है आपका एवरेज परसेंटेज रेसिडेंट प्रोपोर्शन टाइम एंड डिस्टेंस एज प्रॉब्लम डीए डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद में आपका रहेगा बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम ये जो है आपके टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में डिस्काउंट, उसके बाद में ले लो आप एलसीएम एंड एससीएम, उसके बाद में आपका बोट एंड स्ट्रीम होगा, डिस्काउंट होगा, एलसीएम एससीएम, उसके बाद में एसआई एंड सीआई, इतने टॉपिक आपके मैक्सिमम रहेंगे। मैथ्स में आपका एवरेज परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइम एंड डिस्टेंस एस प्रॉब्लम डीए प्रॉफिट एंड लॉस पाइप एंड सिस्टम बोट एंड स्ट्रीम डिस्काउंट एलसीएम एंड एससीएफ एसआईसीआई, इतने क्वेश्चन आपको मैथ्स में देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका जो डीए है वो एफओ के लिए भी यूजफुल रहेगा दोस्तों। इसमें आप मेन देख सकते हो, एवरेज के क्वेश्चन देख सकते हो, एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हो एफओ में, तो ये जो है आपका मैथ्स का पोर्शन रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन रीजनिंग की, उसके बाद में आपका रीजनिंग में आएगा, रीजनिंग में एनोलॉजी रहेगा आपका, उसके बाद में कैलेंडर क्लॉक इनके क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो आप मेन टॉपिक है आपके वही देखते हैं अपन कि रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के जो टॉपिक है सबसे पहले आपका एनोलॉजी है, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में आपका क्लॉक एंड कैलेंडर, उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, उसके बाद में आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन से, उसके बाद में नंबर सीरीज है आपकी, उसके बाद में क्यूब और डाइस, उसके बाद में आपकी रैंकिंग रहेगी, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग,
उसके बाद में आपकी रहेगी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद में आपका रहेगा लास्ट आपका रहता है मैथमेटिकल जो रहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके क्वेश्चन आपको मेनली देखने को मिल जाएंगे। तो आपका मेन पोर्शन जो है रीजनिंग में वो एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक एंड कैलेंडर ब्लड रिलेशन डिस्टेंस डायरेक्शन नंबर सीरीज क्यूब एंड डाइस उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग डिसीजन मेकिंग मैथमेटिकल रीजनिंग ये जो आपके रीजनिंग के टॉपिक आपको मेनली देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें से एग्रीकल्चर का पोर्शन देखिए जितना भी है, इसमें एग्रीकल्चर में करंट जितने भी फैक्ट है उनके बारे में स्कीम के बारे में, उसके बाद में एग्रीकल्चर में जो बायो का पोर्शन रहता है बायो से रिलेटेड उसको आप कर सकते हैं, उसके बाद में मैथ रीजनिंग और मेनली इकोनॉमिक्स ये जो है आप देख सकते हो। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन में कुछ देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। अब देखते हैं इंग्लिश के टॉपिक कितने हैं आपके। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में सेंटेंस अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में एंटोनिम्स वर्ब्स टेंसेस एडवर्ब्स उसके बाद में आपके आर्टिकल, उसके बाद में आपका आएगा फिलर्स फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में आपका होगा अनसीन पैसेज, इतने टॉपिक जो आपको इंग्लिश में पढ़ने रहेंगे। उसके बाद में आपका एंटोनिम्स होगा या तो सिनोनिम्स, उसके बाद में आपके वोकैबुलरी, उसके बाद में आइडियम्स एंड फ्रेसेस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट टॉपिक आपका रहता है कॉम्प्रिहेंशन, तो ये आपके इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप फोकस कर सकते हो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे, उसके बाद में वोकैबुलरी पे कर सकते हो जो है अनसीन पैसेज, क्योंकि दोस्तों ये आपको एफओ के लिए यूजफुल रहेगा तो इन पे आप पहले फोकस कर सकते हो। तो इंग्लिश में आपको बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बात करते हैं वीडियो के सार की, कि वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, वीडियो सार। अगर आपको इतना नहीं करना हो, अगर केवल क्वालिफाई होना हो तो इसके बारे में आप कर भी सकते हो कुछ, कि एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर जितने भी फैक्ट है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद में बायो से संबंधित जितने भी टॉपिक जो एग्रीकल्चर में लगते हैं जो बायो संबंधित है उनको भी आप कवर अप कर सकते हो। उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स से टॉपिक जितने रहेंगे इसमें स्कीम को कवर कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है मैथ के जो टॉपिक है परसेंटेज एलसीएम एससीएफ रेशियो प्रोपोर्शन डीआई इनको कवर अप कर सकते हो। उसके बाद में रीजनिंग आपको बताया था, उसके बाद में जो है पंचायती राज, इससे भी आप कर सकते हो। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट में आप इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप
अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो। सबसे पहले एग्रीकल्चर उठा सकते हो, एग्रीकल्चर में जितने फैक्ट है उनको पढ़ सकते हो, स्कीम्स बायो संबंधित जितने क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद में एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर जो पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप नेमरा सुंदा बुक पढ़ सकते हो, एट ए ग्लांस पढ़ सकते हो। उसके बाद में स्कीम्स जितने भी है करंट की वो मैक्सिमम पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में एग्रीकल्चर की, तो जो भी करंट डाटा है उस पर आप फोकस ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग में और पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लिश ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। दोस्तों आज मैंने आपको जो बताया है वो मैथ और रीजनिंग दोनों कंबाइंड रूप से था, मैथ और रीजनिंग दोनों आपकी इसमें कवर अप हो जाएगी। उसके बाद में जो है थर्ड पे आपको जो इंटरव्यू के लिए आएगा कॉल वो इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रणनीति इफको के लिए तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे आपको डेली जो है जितनी भी करंट रहेगा चीज स्कीम्स रहेगी या फिर आपकी वैकेंसी आ गई तो उसके बारे में आपको करंट जानकारी मिलती रहेगी। तो बिरला के रहे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।